आखिर लौट आई मान के जीवन में वही पुराने वाली खुशियां। अनुज और अनुपमा अब मिलके एक प्रोजेक्ट में साथ में करेंगे काम। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अनुज लगातार कोशिश करता जा रहा है, संघर्ष करता जा रहा है जॉब के लिए। जो इतने बड़े एम्पायर का मालिक था, आज वो खुद नौकरी के लिए तरस रहा है मगर कोई नौकरी नहीं दे रहा है। तरह तरह की चीज़ें लग रही हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे ये समय अब बदल जाएगा। बात करते हैं, पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है जो आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। अनुपमा एक कैफ़े में बैठी हुई है, वहाँ पे जो है अनुपमा एक बड़ा सा किस शादी का बोर्ड देख के बड़ी खुश होती है। तो तरह तरह की चीज़ें वो सोचती है। इतने में बाला आता है। बाला अनुपमा को कुछ एक नए काम के बारे में कुछ बताता है। अनुपमा और खुश होती है। फिर वो अनुपमा अनुज को खड़ा हुआ देखती है तो उसको लगता है कहीं ये भी तो कुछ सपना नहीं है। तो मगर फिर से जो है अनुपमा को लगता है कि नहीं नहीं ये तो अनुज है। तो अनुज ऐसे मजाक करता है कि तुम तो हमें देख ही नहीं हो, आप तो हमें इग्नोर कर रही हो। इस तरह की मजाक मस्तियां जो चलती हैं और अनुपमा शर्माती है। ऐसी चीज़ें, ऐसा प्यार भरा मोमेंट दिखाई देगा। और उसके बाद अचानक से अनुपमा बताती है कि वो प्रोजेक्ट जहाँ पे हम साथ में गए थे, हमने देखा कि किस तरीके से अनुज को जब अनु की रसोई के बारे में वो व्यक्ति पूछता है तो अनुपमा कहती है कि ये सब अनुज की जी का कमाल है, अनुज की तारीफें करती है। वो बोला पहले था मगर अभी तो ये बैंकक्रप्ट है, अभी तो ये धोखेबाज हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो अनुपमा कैसे उन चीज़ों को गलत प्रूव करेगी। और वहीं से अनुज को एक काम मिलता है और अनुपमा बताती है कि अब इस प्रोजेक्ट में हम मिलके साथ में काम करेंगे। और अनुज की जो स्ट्रगल के बारे में बात करती है कि अनुज भी याद करता है कि काम के लिए मैंने कितना संघर्ष किया और इस संघर्ष में आखिरकार मिल गई कामयाबी। और आप देखते हैं कि मान साथ में काम कैसे करके और तरक्की की, कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।